हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज फ्रॉम अगेन टेक्स। और फ्रेंड्स, ये है आईफोन 10 मतलब एक्स का बैक ग्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएंट में बैक ग्लास है और दोनों की क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, व्हाइट वाला जो है ये लो कॉपी है और ये थोड़ा सा जो ब्लैक ग्रे वाला है ये थोड़ा हाई कॉपी है। इसके बाद एक तीसरी वेरिएंट आती है ओजी में। ओजी का जो ग्लास का जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप सोचेंगे कि वाह कितना सस्ता है। ओजी में अगर आप लेने जाते हैं तो आपको 1200 से 1400 रुपए में ओजी आपको कैमरे लेंस के साथ, जो ऊपर का लेंस होता है उसके साथ आपको 1200 से 1400 रुपए में मिल जाएगा। और मैं आपको इन दोनों का कॉस्ट बता दूं, इसमें से जो वाइट वाला है एक जो कि क्वालिटी बेस्ड है उसका, और इसके जो दूसरा वाला है ग्रे वाला, उसका रेट में फ़र्क है। देखिए, दोनों का मैं आपको साइज़ दिखा रहा हूँ, लगभग सेम है, दिखने में सब कुछ सेम है लेकिन शाइनिंग का फ़र्क है और मजबूती का फ़र्क है। ये जो आपका ब्लैक वाला ग्रे वाला है ये आपको नॉर्मल देखेंगे तो 750 रुपए का मिल जाएगा, और ये वाला जो आपका वाइट वाला है ये आपको इस वक्त जो है मार्केट में 550 रुपए का मिल जाएगा। 550 में वाइट वाला, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी नहीं है। अगर आपको नॉर्मल वे में लगवाना है तो आप ये 750 रुपए वाला जो है वो आप लगवा सकते हैं। और चार, मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार इतना ग्लास का रेट नहीं होता है, तो मैं बता दूं कि ग्लास में बहुत ही वेरिएंट है। आप जब ग्लास ख़रीदते हैं तो मार्केट में लगभग आपको 1200 से 1300 रुपए वाला ग्लास ही लगता है, बाकी का जो असली वाला है वो आपको कस्टमर केयर में लगेगा, सर्विस सेंटर में आईफोन के लगेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और चीज़ मैं बता दूँ, इसकी सर्विस चार्ज भी बहुत ही हार्डली होती है। मिनिमम जो अच्छे दुकानदार है जिसके पास की जो आईफोन का काम करते हैं, इसकी फिटिंग का लगभग 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक लेते हैं, क्योंकि वो मशीन से निकलता है। अगर नॉर्मल वे पे जाएंगे, किसी नॉर्मल दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर इसकी सर्विस हो सकती है अच्छी ना हो, आपका डिवाइस हो सकता है कि ख़राब हो जाए, इसलिए थोड़ा आप सर्विस चार्ज दे दीजिएगा, क्योंकि सामान हो सकता है सस्ता हो लेकिन सर्विस चार्ज बहुत अच्छा देना पड़ता है। तो देखते रहिए मेरे चैनल।